My name is Sabir Lokhandwala, MBA in Marketing and the Business Entrepreneur. Welcome to my channel, Bizopedia, the Encyclopedia of Business. Viewers, ये हमारे YouTube पे first video है, इसलिए मैं आपको मेरे channel के बारे में थोड़ा सा introduction और कुछ brief कर देता हूँ. जैसे कि हमारी channel पूरी तरह से business और motivation related है, क्योंकि आप इस channel के through काफी अलग-अलग business entrepreneurs और owners से मिलने वाले हैं, जिसमें से कुछ लोग manufacturers, होलसेलर्स, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे. और व्यूअर्स, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू हम काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस टर्म्स, मोटिवेशनल स्टोरीज, सक्सेसफुल स्टोरीज प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती रहे. हम आपको ये भी बता दें इसका बेनिफिट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, टीनएजर्स, बिजनेस क्लास पीपल, जॉब क्लास पीपल और हाउसवाइफ जो घर बैठे बैठे बिजनेस करती है, क्योंकि हम लोग व्यूअर्स चाहते हैं कि कोई भी सिंगल अपॉर्चुनिटी आप तक पहुंचे और आप उसको कन्वर्ट कर सके अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर. तो व्यूअर्स, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज 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 इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले, क्योंकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए. तो व्यूअर्स, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. व्यूअर्स, आज हमें सूरत सिटी, द सिटी ऑफ गुजरात स्टेट एंड द हब ऑफ डायमंड एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Viewers, आज हम जिस मैन्युफैक्चरर बिजनेसमैन से मिलना है, इज वेरी यंग एंड पैशनेट अबाउट हिज बिजनेस. तो व्यूअर्स, आज हम इनको हमारे शो में बुलाते हैं, तो आप इन्हीं की कंपनी के बारे में इनका इंट्रोडक्शन हम लेंगे इन्हीं की मुंह जुबानी से. सर, प्लीज कम. सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू माई शो बिजोपीडिया. थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी सर. सर, प्लेजर ऑल माइन. सर, आज हमारे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? आपसे रिक्वेस्ट है, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी कब फाउंड हुई, आपकी कंपनी सर किस चीज में डील करती है, आप एक्सपोर्टर हो, इंपोर्टर हो, जो भी है सर, आपके बारे में प्लीज इंट्रोड्यूस करिए. और सर, आप लास्ट के अंदर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर वो सूरत में आना चाहते हैं तो आपका एड्रेस, जो भी लोकेशन है, प्लीज बताइए. हेलो व्यूअर्स, माई नेम इज मुजीन जानवसन. माई कंपनी नेम इज भाईजन गुर्दा स्टूडियो. वी आर एन एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर सिंस 8 years. Our export firm name is R Brothers Trading Limited. Basically, we are exporting in different countries like UK, USA, Canada, South Africa, New Zealand, Australia and many Gulf countries. हमारी जो specialty है वो है Arabic thobes, जिसे हम Indian language में चुप्पा भी कहते हैं. तो आप देख सकते हैं जो मैंने wear किया हुआ है. Basically, अभी हम international markets को काफ़ी cover किया हुआ है. हम आपके व्यूअर्स के थ्रू इंडियन मार्केट, हम बताना चाहते हैं कि हम अभी इंडियन मार्केट्स में भी डील करना स्टार्ट कर दिया है. बहुत बढ़िया है इंडियन मार्केट के अंदर. सर, मुझे लगता है कि ये इसकी काफी डिमांड है. जी 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 सर. और अगर आप सूरत सिटी से हो तो आप वीडियो में देख सकते हो कि सूरत में आपको कहाँ पे आना है. चौक बाजार कमाल गली, ऑपोजिट टू अल खलील टी सेंटर. वो बहुत फेमस है. आप बहुत फेमस सर, इसकी चाय तो सर ऑल ओवर सूरत फेमस है. आप अगर बाहर से भी आ रहे हो तो आप रिक्शा वाला या टैक्सी ड्राइवर को आप कहेंगे कि हमें अल खलील टी सेंटर के ऑपोजिट पे आप ड्रॉप कर दो, अल गली चौक बाजार में. तो वो आपको 5-10 मिनट्स के डिस्टेंस में है. इसके आगे आपको हमारे मैनेजर वैभव आपको हमारे सैंपल यूनिट का आपको बताएंगे. बहुत बढ़िया. हाय व्यूअर्स, मेरा नाम वैभव है और मैं एज अ मैनेजर भाईजन गुर्दा स्टूडियो में काम करता हूँ. मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी डिज़ाइन और सैंपल्स हमने लगाए हुए हैं. मैं आपको कुछ डिज़ाइन, हमारे जो सैंपल्स हैं कुछ, वो मैं आपको दिखाता हूँ. सर, थोड़ा जूम करेंगे तो आपके व्यूअर्स को भी थोड़ा डिज़ाइन और हमारी फिनिशिंग के बारे में समझ में आए. सर, ये डिजाइन मुझे काफी यूनिक लग रहा है. सर, मतलब डिजाइन है सर ये, इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं. ओके, मतलब सर यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग आ जाएगी. जी सर. ओके, इसकी आप जिप देखिए, आप इसका स्लीव की जो एंड और इसकी जो पाइपिंग है उसका भी वर्क, आप मतलब फिनिशिंग की बात कर रहे हो आप. जी सर. जी सर, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है. आई होप मेरे व्यूअर्स को सर काफी पसंद आएगा. जी सर. जी जी, मैं आपको कुछ और पैटर्न्स दिखाता हूँ. ये सिंपल पैटर्न है लेकिन जनरली लोग ये ज्यादा पहनना पसंद करते हैं. अच्छा, मतलब आपका बोलने का मकसद है कि ये जो मैच्योर पब्लिक होती है, मतलब अबो 30 इयर्स की बात कर रहे हो. ओके, उनको लिए ये परफेक्ट है. और इसके अलावा मैं आपको ये डिजाइन भी आप देख सकते हैं. ये एक्चुअली आपको डेनिम लग रहा है लेकिन ये हम लोग, सर सच बोलूं मुझे डेनिम ही लग रहा है. जी सर, ये डेनिम नहीं है लेकिन हम लोगों ने पूरा कोशिश किया इसको डेनिम लुक देने की. तो सर, ये कपड़ा कौन सा है? ये इम्पोर्टेड फैब्रिक है.
ओके जी सर, बहुत बढ़िया है सर। ये वर्क करके हम लोगों ने इसमें पूरा डेनिम का लुक दिया है। ओके, आप जिप वगैरह देख सकते हो सर, काफी अच्छा लुक आ रहा है। ये ब्रांडेड जिप हम लोगों ने यूज की है। ओके, जनरली लोग यूज करते नहीं है। ओके, चुप्पियों में ये हमारा अभी का ट्रेंडिंग हुडी थोप है सर। हुडी थोप सर, ये तो टी शर्ट में देख रहे थे, इसमें थोप्स में भी आ गया सर। काफी टाइम से हमारे पास डिजाइन में है। ओके, काफी डिजाइन में हम लोग इसमें हुडी यूज करते हैं सर। ये टॉमी हिलफिगर जैसा लग रहा है थोड़ा सा, इसको वही लुक देने की कोशिश की गई। ओके सर, अंदर की साइड भी हम लोगों ने ये पूरा टॉमी का लुक दिया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। ये डिजाइन देखिए सर आप, इसमें हम लोगों ने लेस का थोड़ा वर्क किया है और पूरा सोबर। सर ये लेस है कि एम्ब्रॉयडरी है? नहीं, ये लेस वर्क किया हुआ है सर। तो सर ये लेस के अंदर भी एम्ब्रॉयडरी का लुक दे रहा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। मतलब सर ये दो कपड़े को ज्वाइंट किया, राइट? जी जी। ओके सर, आप और कुछ सैंपल्स दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सर, थोड़ा और क्लियर हो जाए? देखिए जी सर, इसका पाइपिंग वर्क देखिए आप, इसके बटन्स देखिए जी सर, काफी बढ़िया है। इसकी पैटर्न्स देखिए सर। जी सर, तो सर इसकी साइज क्या रहेगी सर? मतलब साइज सर इसमें एक्चुअली बड़ों में 52 टू 62 और 64 तक लेंथ होती है। मतलब सर आप चेस्ट की बात कर रहे हो? नहीं, लेंथ। ओके, लेंथ की। तो सर चेस्ट कितना रहेगा? से लेके 64 तक की लेंथ होती है, और उसमें मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज तक साइज होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू चेस्ट। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये जो है कपड़ा, मतलब ये जो चीज है वो आपको आ सकती है, मतलब आपकी फिटिंग में आ जाएगी? जी, 56 मीडियम मेरी साइज है। ओके, जिसके जैसी मेरी ब्रॉडनेस चेस्ट बढ़ेगी, वैसे ही मीडियम से लार्ज, लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज जैसी चेस्ट बढ़ेगी, और लेंथ 52 से लेकर 62। बहुत बढ़िया सर। दूसरा सर कुछ सैंपल दिखा दीजिए व्यूअर्स आपको, जो पहले के जो थे आप अपने देख रहे होंगे सर, आपकी स्क्रीन पे मतलब उसके फोटोज चल रहे होंगे। जी सर बताइए, आप देख सकते हो ये दो अलग अलग कलर में सेम पैटर्न बनाई, तो हम लोग कस्टमाइज भी बनाते हैं। जैसे अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, कोई और कलर में बनानी है, तो हम वो भी कर सकते हैं। सर कस्टमाइज का मतलब, तो जहां तक मुझे पता है कि अगर मैं मेरी साइज के लिए बनाना चाहूँ, पर सर ये आप फिर कितने प्रोडक्ट्स के अंदर बनाएंगे? मतलब मुझे एक पीस बनवाना है तो क्या बन सकता है? नहीं, हमारा एक्चुअली काम होलसेल का है। ओके, तो मिनिमम आपको 10 पीसेस का सेट होता है। ओके, और वही सेट को आप अलग अलग डिजाइन में सेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को अगर कोई भी कपड़े में या कोई भी कलर में बनवाना है तो मैं बना सकता हूँ? जी जी, बहुत बढ़िया। आपको यही डिजाइन ये कलर में बनानी है, या कोई अलग डिजाइन आपको ये कपड़े में ये कलर में बनानी है, तो बन जाती है। बहुत बढ़िया सर। तो ये सर जो दूसरे सैंपल्स आपने दिखा, एक तो इस तरह का है जी। सर ये कौन सा कपड़ा है? ये 100% पॉलिस्टर है। ओके, नाम से इंपोर्ट होता है ये पूरा। तो ये सर ये जो नेक है तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब ये कौन सा कपड़ा है सर? एग्जैक्टली जर्सी मटेरियल है, ज्यादातर ये टी शर्ट्स वगैरह में जो कॉलर में यूज होता है, वही अब हम लोगों ने चुप्पे में यूज किया। सर ये तो काफी फैंसी डिजाइन है। हाँ, मतलब जैसे मोजिन सर जो कह रहे थे कि एक्सपोर्ट आप करते हो, तो मतलब मुझे लग रहा है सर वहाँ पे जो ट्रेंडिंग डिजाइन चल रही है, इस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हो। बहुत बढ़िया सर। मुझे एक सवाल था कि सर ये जो आपने रखा हुआ है आपके यहाँ पे, जो आदमी आपके स्टाफ खड़े पीछे के जो है सेल्फ के अंदर, तो सर ये क्या है? मतलब आप एक एक पीस भी देते हो सर? जी, ये हमारे अबरार भाई है, और ये जो स्टॉक हमारा जो है वो रेडी स्टॉक है। ओके, जो कस्टमर्स को कभी कोई सूरत के बाहर से कोई कस्टमर आते हैं और उनको अगर कोई पीस चाहिए, मान लो उनको 4 या 5 कोई पीस चाहिए रिटेल के लिए इमरजेंसी में, तो हम लोग उनको रेडी स्टॉक में से दे देते हैं। ओके सर, मतलब बोलना चाह रहे कि मुझे ये सैंपल एग्जांपल पसंद आ रहा है, तो मुझे इसका चाहिए, तो रेडी स्टॉक में से कोई भी साइज आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सर। तो सर मेरे लिए कौन सा है? अरे सर आपके लिए तो कोई भी पहनोगे तो आपको जचेगा। चल थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर ये दूसरी बात बताइए कि मोजिन सर बता रहे थे कि आप दूसरी सब चीजों में भी डील करते हो जुब्बे के अलावा, सर वो बताइए जरा प्रोडक्ट्स कौन से? हम लोग वेस्टकोट में डील करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, मिनिस्टर लुक टाइप। जी, बहुत बढ़िया सर। आजकल ये इतनी वेयर है, तो आजकल लोग शादियों में या कोई इवेंट हो गया उसमें ये लोग पहनते हैं। हाँ सर, ये शादियों के अंदर काफी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है ये। तो सर इसका कपड़ा कौन सा रहता है एग्जैक्टली? ये सब डिफरेंट अलग अलग फैब्रिक हम लोगों ने यूज किए हुए, कोई शर्टिंग का है। ओके, तो सर इसमें भी साइज होती होगी ना? जी सर, इसमें 34 से लेके 44 तक की साइज होती है सर। ओके ओके ओके, तो सर आप थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स मुझे और बताइए। जी, बहुत बढ़िया सर। तो सर ये जो लुक आ रहा है सर, ये मिनिस्टर लुक लग रहा है सर, ये तो काफी अच्छा लुक लग रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये सर कपड़ा सबका अलग अलग है ये तीनों? तीन जी, ये तीनों तीन अलग कपड़ा है, और उसको पैटर्न में
स्टिच किया हुआ है। बहुत अच्छा सर, फिनिशिंग भी काफी अच्छी आ रही है इसका। आप कोई भी आप वेस्टकोट देख लो, इसके बटन्स और इसकी फिनिशिंग देख लो सर। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। ओके सर, तो आप सर दूसरा भी बता रहे थे कुछ सर, तो ये जो मोजिन सर बता रहे थे कि कुछ बच्चों के लिए है कि नहीं है सर? जी सर, क्योंकि मुझे लगता है सर बच्चों ने भी कुछ गलती नहीं किया है। जी, हमारे पास बच्चों में जुप्पे भी है जिससे कि आप देख रहे हो सर, बच्चों का जैसे किड्स वेयर है, तो इनकी कुछ आप एज बोल सकते हो सर, मतलब कितनी एज से स्टार्ट होगा? 6 महीने से बच्चे से लेके एडल्ट तक हमारे पास जुब्बे है, फिर मेंस वेयर में भी है। चलो सर, मेरे बच्चे का तो काम हो गया मतलब, अगर बहुत बढ़िया सर। ओके, तो सर ये मतलब जो आप एडल्ट्स के अंदर जो साइजेस बनवाते हैं ये बच्चों में भी बन जाएगी, मतलब फुली कस्टमाइज्ड है सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हमारे पास बच्चों में कुर्ते भी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ओके देखिए सर, ये बच्चों में कुर्ते हैं। नॉट ओनली कुर्ते, वेडिंग कलेक्शन भी है हमारे पास। ओह बहुत बढ़िया सर ये तो। और अभी तो दिसंबर है, शादी का सीजन है तो। सर ये मतलब क्या है कि मतलब काफी अट्रैक्टिव पीस लग रहा है। जी सर। ओके, मतलब इसी तरह में सर आप डील करते हो सर। आप और को जो आप बता रहे थे सर पीछे, सर ये जो आप बता रहे थे ये वाले सर, जो कुछ ये हमारे अलग अलग सैंपल्स का पूरा शोकेस है। ओके, तो ये सर सब बेसिक सैंपल्स है क्या? ये जी ये सब बेसिक सैंपल्स है। ओके, मतलब ये जो सेल्फ में रखा हुआ है, मतलब इसका भी जो आप अगर इमरजेंसी के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कोई पसंद आता है तो इसी में से आपको साइज अभी रेडी स्टॉक में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो वैभव जी, अभी अभी मैं हासिम जी से बात करता हूँ अब जो अत्तर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। Hello viewers, my name is Hashim Janwasan. I am Mozin Janwasan's younger brother and I am going to introduce you to our brother's Trading Private Limited's fragrance brand which deals in attars and perfumes. So let's बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर ये अत्तर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे हमारे व्यूअर्स को, एग्जैक्टली क्या होता है सर ये? यस, अत्तर्स हमने अभी अभी स्टार्ट किया है और अत्तर्स में आपको अलग अलग टोन्स में मिलेगा। अगर आपको स्वीट टोन में चाहिए तो आपको ऊद सिडक्शन, प्राडा कैंडी, फवा के जैसी अत्तर्स में सजेस्ट करूंगा हमारे ब्रांड की। अगर आपको परफ्यूमिक टोन में, लाइट माइल्ड टोन में चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू चैनल पेरिस, ब्लू मुश्क, मुश्क ब्लैंक, दिस काइंड ऑफ अत्तर्स। एंड अगर आपको हार्ड टोन में चाहिए तो मैं जन्नतुल फिरदौस और मजमुआ जैसे ब्रांड्स सजेस्ट करूंगा आपको, राइट? और मैं आपको अलग अलग हमारे कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, जैसे कि अगर आप इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट इट टू समवन अत्तर, अ लग्जरियस अत्तर, तो मैं आपको क्रिस्टल बॉटल की अत्तर सजेस्ट करूंगा जो इस टाइप की पैकिंग्स में आएगी। और हमारे पास अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग्स आएगी। तो सर ये सिंगल पीस भी क्या आप देते हो? यस, सिंगल पीस वैसे हमारा होलसेल का है, बट अगर आप हमारे आउटलेट पे आ रहे हो, आपको अर्जेंट में सिंगल पीस या थोड़े पीसेस चाहिए तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। ओके, और सर ये रिटेलर्स को अगर आपसे मंगवाना है तो आपको कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? हाँ, हमारा फोन नंबर लिखा हुआ है नीचे। ओके, आपको कांटेक्ट करके मतलब वो ले सकते हैं। ओके, तो सर सिंगल पीस भी कुरियर सैंपल का भेजना चाहेंगे तो अगर पॉसिबल है ना सर? क्योंकि सर देखो ये कोई भी रिटेलर सर क्वांटिटी मिलेगा तो उसको पहले सैंपल तो उसको ट्राई करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होता है कि आप फोटो देख के आप स्मेल तो नहीं पहचान सकते। राइट राइट, बहुत बढ़िया। अगर सर कोई रिटेलर है और सर इसको आपको क्वांटिटी में ऑर्डर देना चाहे तो ये पॉसिबल है सर? क्योंकि आपका जहां तक मुझे लग रहा है सैंपल है सब। नहीं, क्वांटिटी में पॉसिबल है, आपको थोड़ा एकदम मिनिमम टाइम में होगा और आपका ट्रांसपोर्ट होके कुरियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर मुझे थोड़ा सा इसका यहां तक मैं आपको ये बोल दूं कि अपने एज लो एज 150 रिटेल प्राइस की भी अत्तर्स है हमारे पास। ओके, मतलब सर आपकी जो प्राइस रेंज सर होलसेल की क्या रहेगी एग्जैक्टली? होलसेल की रेंज 100 से स्टार्ट हो जाएगी प्राइस रेंज। ओके, तो सर मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, स्मेल कराइए जो सर ये डायमंड लुक लग रहा है तो मुझे, तो सर ये काफी फैंसी बॉटल्स भी है जिससे क्या होता है कस्टमर भी मुझे लगता है सर काफी इंप्रेस होता है इससे। यस ऑफ कोर्स, हमारा एक्सपीरियंस तो अभी तक यही रहा है, हम आपको दिखा देते हैं, आप एक जजमेंट दे दो हमें। ओके सर, थोड़ा सा बताइए ये सर कौन सा फ्लेवर है सर? ये है पाउडर ऊद। पाउडर ऊद, ओके सर, काफी अच्छा है, सुना ही होगा। राइट 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 राइट, जिसको सर मतलब डिटेल में अगर अगर अत्तर का नॉलेज नहीं भी है सर तो वो आपको कांटेक्ट करके ले भी सकता है। yes, तो सर व्यूअर्स ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप अत्तर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सूरत में अगर आप हैं या आप सूरत से बाहर भी रहते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब काफी इनको डिटेल नॉलेज है सर। आप प्रोफेसर लग रहे मुझे इसके, बहुत बढ़िया सर, काफी यंग एज में सर आपने काफी कुछ इसका नॉलेज हासिल कर लिया है, बहुत अच्छा सर। और कुछ बताना चाहेंगे सर इस हमारे आपको व्यूअर्स को? यस दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आ चुके हैं।
हम मिस्टर मोजीन और अफजल भाई जो यहाँ पे यूनिट संभालते हैं, हम आपको इनसे पूरा परिचय करेंगे ईच एंड एवरीथिंग डिटेल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसीजर स्टार्ट से एंड तक हम आपको क्लियर करेंगे, ताकि अगर आप ऑर्डर देना चाहे क्वांटिटी के अंदर बड़ा ऑर्डर देना चाहे तो आपको प्रोसीजर होना पता होना जरूरी है। व्यूअर जैसा कि आप देख सकते हो कि काफी मशीन्स यहाँ पे इनके पास है, काफी स्टाफ इनके पास है, ईच एंड एवरी डिटेल आप जरा जूम करके बताइए, ईच एंड एवरी डिटेल या मशीन्स हर चीज का आपको यहाँ पे पूरा डिटेलिंग के साथ आप यहाँ पे प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। आप किधर से भी हो, एनीवेयर इन द सिटी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप आपका ऑर्डर दीजिए, क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर दीजिए। अभी मैं आपसे मिलाता हूँ अफजल भाई से जो यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को संभालते हैं। चलिए, तो व्यूअर्स हमने जैसे बोला था कि अफजल भाई से मुलाकात करेंगे, ये है अफजल भाई, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी इनके हाथ में, ये पूरा इनको डिटेलिंग के लिए हर चीज इनको संभालने के लिए दिया जाता है। तो अफजल भाई जरा प्रोसेस बताइए किस तरह से रहता है ये। देखिए, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये हमारा प्रोसेस फर्स्ट है। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कटिंग से। ओके। ये लेयर लगाई जाती है इस तरीके से। ये लेयर लगने के बाद ये प्रोसेस होता है कटिंग हो जाती है। ओके। कटिंग होने के बाद ये देखिए आप टेबल बता दीजिए, 7.5 मीटर का टेबल है। ओके, 7.5 मीटर का टेबल है। ओके। ये कटिंग होने के बाद ये इस तरीके से हमारा बंडल बन जाता है। अच्छा, बंडल रेडी हो गया, क्योंकि ये जो ऑर्डर का जो भी था, जितना मीटर का जो भी आपका एग्जैक्टली था, ये रेडी हो गया। ठीक है, अब ये बंडल उठा करके आपको कारीगर को देना होता है। ओके, ये सेकंड प्रोसेस, कारीगर जो आपका जो भी ये स्टिचिंग वगैरह कर रहा है। ओके, ये सेकंड प्रोसेस पे। ओके, आइए आप आगे। देखिए, ये हमने ये ला करके कारीगर को दे दिया। ओके ओके, और कारीगर को कटिंग समझा दिया। हाँ, मतलब जो लेंथ है, जो डिजाइन है, जिस तरह का बनाना है, वो यहाँ पे ये भाई सब बनाते हैं। ठीक है, इनको डिजाइन, ये आपके सेकंड प्रोसेस है। ठीक है, ये देने के बाद थर्ड प्रोसेस है, आप आ गए। जी सर, ये थर्ड प्रोसेस जो है ना, देखिए पीस बनने के बाद आ जाइए, अभी इधर आइए, आ जाइए, ये थर्ड प्रोसेस। ओके, माल बनकर के तैयार हो गया। अच्छा, जैसे वहाँ पे ये स्टिचिंग करके जिस भाई साहब ने आपको दिया, तो ये माल कंप्लीट हो गया, ये तैयार हो गया। तैयार हो गया, फिनिशिंग चालू है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये भाई यहाँ पर चेन चेक कर रहा है, हाँ, धागा वगैरह है वो चेक कर रहा है। अच्छा, मेजरमेंट चेक कर रहा है। राइट राइट राइट, मतलब कोई भी जो मिस्टेक होती है, जो एरर आता है आपका, वहाँ पे से ये क्लियर हो जाता है। बहुत सही, ये चेकिंग होने के बाद ये फाइनल इधर करेंगे, फिर इसके होने के बाद सीधा प्रेस में जाएगा। ओके, मतलब इन शॉर्ट सर, आपकी जो प्रोसेस है वो चार प्रोसेस है। पहला जो कपड़ा लगाया जाएगा, उसके बाद स्टिचिंग, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी एरर है तो यहाँ पे आपको उसमें पकड़ में आ जाएगा, और चौथी प्रोसेस है प्रेसिंग की, और इसके बाद पैकेजिंग हो जाती है। प्रेसिंग के अंदर भी हमारा माल चेक होता है। ओके, दाग वगैरह अगर कभी यहाँ से छूट गया, प्रेस वाले को वो चीज देखनी होती है, प्रेस वाला वो चेक करता है। हाँ, क्योंकि सर मुझको मोजीन सर ने बोला था कि काफी हमारे जो है एक्सपोर्ट हमारा होता है, तो एक्सपोर्ट वालों के लिए तो सर चेकिंग डबल चाहिए, और इसकी क्वालिटी भी मेंटेन आपको करनी है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। सर और कुछ बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को? ये बताना चाहूंगा कि डबल चेकिंग में माल बनता है, और फिर यहाँ से चेक होने के बाद, प्रेस वाला चेक करने के बाद, फिर यहाँ पैकिंग के लिए माल आता है। पैकिंग के अंदर भी धागा वगैरह वहाँ भी चेक किया जाता है, कभी कुछ छोड़ गया, ऊपर से कहीं कुछ दिख रहा है पैकिंग के टाइम में। तो मैं सर हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हो, इनका काफी बढ़िया काम है, काफी इनका स्टाफ है, पूरी प्रोसेसिंग डिटेलिंग हर चीज इनको यहाँ पे करनी पड़ती है, ताकि आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए काम हो सके। तो व्यूअर्स, हम चलते हैं हमारे गोडाउन के अंदर, जिससे हम आपको इनका क्वांटिटी फैब्रिक्स दिखा सके। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकी गोडाउन के अंदर हम जा रहे हैं। इनकी गोडाउन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो व्यूअर्स की काफी सारा स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ये देख सकते हो व्यूअर्स। ये एक्चुअल पहचान है एक बड़े मैन्युफैक्चरर की, एक होलसेलर की। कितने आपको मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर ऐसे होंगे कि सिर्फ शॉप बता देते हैं, हम आपको एक्चुअल फैक्ट दिखा रहे हैं व्यूअर्स, कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये सिर्फ शॉप लेके बैठे हैं, सैंपल लेके बैठे। व्यूअर्स, आप देख सकते हो कि काफी क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे माल पड़ा हुआ है। अफजल भाई, जरा बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली माल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इतना सब कपड़ा है, क्या एग्जैक्टली? ये जो सारा माल है ना, ये पूरा इम्पोर्टेड माल, ये पूरा इम्पोर्टेड है। ओके, पूरा टोटल ये इम्पोर्टेड है। अच्छा, ये पूरे के पूरे रोल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओके, हाँ, ये हमारा ये इंडियन माल। तो ये मीटर में है एग्जैक्टली, क्या टर्न में होता है, क्या ये मीटर में? मीटर में 46 मीटर का एक रोल आता है। 46 मीटर का एक रोल आता है, एक रोल आता है ये। इस तरह से पूरा रहेगा, और ये
100 मीटर 110 मीटर ये इंडियन कपड़े। ओके, तो जो मोजिन सर ने जो हमको बताया था सैंपल जो ऑफिस के अंदर वो पास करेंगे तो ये सब कपड़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो व्यूअर सबसे पहले आपको कपड़ा पास करना है, गोडाउन में आना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जाके आपको ऑर्डर वहाँ पे लिखवाना है। तो व्यूअर्स हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से हमारे वीडियो से सेटिस्फाइड हुए होंगे। व्यूअर्स जैसा कि आपको हमने इस वीडियो के अंदर पूरी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आपको दिखाया और गोडाउन भी दिखाया, जिससे आपको बहुत ही क्लियर हो चुका होगा कि इन पे काम किस तरह का है। बट व्यूअर्स हमने सोचा कि थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का एक सेशन कर ले मोजिन सर के साथ, जिससे आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन जो अराइज होंगे वीडियो देखने के बाद क्लियर कर दें। तो सर मेरा एक बेसिक सवाल है कि सर आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब क्यों व्यूअर्स आपसे प्रोडक्ट लेंगे? आपके कॉम्पिटिटर सर काफी होंगे, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, सूरत, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, सर ऐसा आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है कि वो आपसे मटेरियल लेंगे? मैं किसी और कंपनी के बारे में तो नहीं बोलूंगा, मैं अपनी कंपनी के बारे में कहूंगा कि हमारी जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो है कमिटमेंट, क्वालिटी और टीम वर्क। हम अगर कहेंगे कि आपको हम 3 वीक्स 4 वीक्स में कंप्लीट करके दे देंगे तो हम आपको बिफोर टाइम कोशिश करेंगे कि हम उसको कंप्लीट करें। बहुत बढ़िया सर। एक दूसरा यूट्यूबर्स के माइंड में मतलब व्यूअर्स के माइंड में सवाल होता है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी कितनी रहेगी सर? कोई रिटेलर है या होलसेलर जो देख रहा है आपका वीडियो, तो सर उनको कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना होगा? वैसे तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 पीसीज है, जो काफी कम है, लेकिन अगर आप हमारे साथ काम शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको सैंपल ऑर्डर से भी हम आपका काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सर ये पॉलिसी मुझे बहुत ही पसंद आई। काफी यूट्यूबर्स जो होते हैं या काफी सप्लायर्स होते हैं वो 50,000 1 लाख की ऑर्डर की बात करते हैं, बट आप छोटे से अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, सबसे बेटर है कि आप पहले यहाँ पे आइए, विजिट करिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और इसके बाद डिसीजन लिए। सर एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर कोई ऑर्डर देना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? देखो आप सूरत सिटी में हो, सूरत सिटी टेक्सटाइल हब है, आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहाँ से पूरे इंडिया में हर जगह माल सप्लाई होते हैं। बहुत बढ़िया सर, मेरे माइंड में आपसे बात करके और एक क्वेश्चन आ रहा है। काफी यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी है और काफी जो रिटेलर्स होलसेलर्स जो उनको कॉन्टेक्ट करते हैं अपने वीडियो की जो चैनल को देख के, तो सर मुझे ये बात बताइए कि वो काफी जो होते हैं वो उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है यार कि मैन्युफैक्चरिंग का फोन नहीं उठ रहा है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, व्हाट्सएप पे कैटलॉग टाइम पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो सर आपको अगर कोई कॉल करेगा तो सर किस तरह से आपको? देखो मैं आपको एक नंबर, आप नीचे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वो उस पे आप कॉल करेंगे ना तो आपको हर डिपार्टमेंट में आपको जो जो चीज की रिक्वायरमेंट है कुर्ते की तो उसके लिए आपको अलग से गाइड कर दिया जाएगा, और अभी थोप्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर भी ओके डिपार्टमेंट के ऊपर है जी। तो सर मैं व्यूअर्स को आपके डिपार्टमेंट का नंबर्स दे दूंगा जिससे उनको इजी हो जाए, और सर दूसरा कि व्हाट्सएप पे जब आपको ये मैसेज करेंगे तो कैटलॉग प्रोवाइड हो जाएगा? जी जी बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। सर आपने कुछ बता रहे थे सैंपल्स के बारे में, ये सर क्या है? जी देखो ये हमारा है, हम यहाँ पर भी बनाते हैं फैब्रिक्स ओके, और हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। तो सर ये कपड़ा है एग्जैक्टली क्या है? सैंपल है जी, ये सैंपल फैब्रिक है ओके, ये वियतनाम का फैब्रिक है, 100% पॉलिएस्टर फैब्रिक है, आप कलर की रेंज देख सकते हो, लाइट डार्क कलर सब है। ओके सर, इन शॉर्ट ये है कि अगर कोई भी सूरत के बाहर से आता है, सूरत से आता है कोई भी रिटेलर होलसेलर, तो आपके ऑफिस पे पहले वो विजिट कर ले जी, सैंपल्स देख ले अलग अलग, मतलब इंडियन फैब्रिक है ओके, ये पॉलिएस्टर कॉटन फैब्रिक है ये ओके, और सर मतलब ये यहाँ से काफी कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पे आके वो मतलब कर सकते हैं, इसके बाद आप इनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर आप उनको लेके जाएंगे ऑर्डर्स के लिए जी। ये इम्पोर्टेड फैब्रिक है, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक जी, इसमें कलर रेंज ये डार्क कलर का चार्ट है, काफी कलर्स दिख रहे, काफी कलर्स दिख रहे। इसके अलावा भी बहुत वैरायटीज है हमारे पास फैब्रिक की, जो हम वीडियो में नहीं बता सकते वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी जी। तो सर व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे, अगर नहीं हुए तो आप हमें मोजिन सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थोड़ी डी। व्यूअर्स हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट फीडबैक, सजेशन, रिव्यूज आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपके पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक्स हमें मोटिवेट करेंगे फॉर द अपकमिंग वीडियोस, और आपके नेगेटिव कमेंट्स और डिसलाइक्स हमें और इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। व्यूअर्स हम ये भी बताते चले, ये वीडियो और ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिससे आपकी नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के रिलेटेड अपडेट होती रहे। व्यूअर्स अगर आप में से कोई भी मैन्युफैक्चरर,
होलसेलर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी भी सर्विस रिलेटेड फर्म से बिलोंग करता है, आप किसी भी इंडिया के सिटी से बिलोंग करते हो या किसी भी प्रोडक्ट के फील्ड में आप काम करते हो, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपकी कंपनी के बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में दिखाने के लिए, और हम जस्टिफाई कर सकेंगे ताकि हमारे जो व्यूअर्स है आपकी कंपनी को डिटेल में जान सके, जिससे आपकी ग्रोथ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको काफी मिल सके। तो व्यूअर्स, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। माय नेम इज साबिक लोकनवाला, साइनिंग ऑफ।